were some technical issues. The lecture was interrupted in between. Sorry for interruption. चलिए let us start the chapter number 14, factorization. बच्चे quiet. Factorization. चलिए चैप्टर नंबर 14 ऑफ योर बुक फैक्टराइजेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टराइजेशन वी डिड इट इन द लोअर क्लासेस इन केस ऑफ नंबर्स. नंबर्स के केस में हमने लोअर क्लासेस में फैक्टराइजेशन करी थी. हाँ जी अमरजोत, व्हाट डू यू वांट टू आस्क मैम? 7 सम द्वारा हमने देखा ही नहीं था. एक बार चैप्टर शुरू कर लें, फिर रिवीजन टाइम दोबारा रिपीट कर दूंगी. चलिए ओके, चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. You know, in the previous classes we did that make the factors of 250. We do the factorization of 250. 250 के हमने factors बनाए. कैसे बनाते थे हम factors? By using the LCM method. LCM निकालते थे और factors बनाते थे. LCM and the factors they come out to be. Board की setting हो रही. 250 के फैक्टर्स बनाए, एलसीएम लिया. ऐसे हम फैक्टराइजेशन करते थे. प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा था, हम नंबर्स को फैक्टराइज करना सीखा. अब नाउ द थिंग इज, नाउ वी विल स्टडी, वी विल लर्न How to factorize the algebraic expression. जब हमारे पास algebraic expression दिया हुआ है कोई x y की terms में, तो उसको factorize कैसे? हम मैं simple सी अगर बात करूं, this is 2x square. इसको factorize करना means इसको तोड़ना है. 2 है, x square a की power x की power 2 है, तो मैंने x को दो बार लिख दिया, तो 2x square के ये factors बन गए. ठीक है? Suppose I'm having a number 3x square y. 3 into x into x into y. जब तक तो टर्म एक एक थी तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आपने उसको मतलब तोड़ के उसको फैक्टराइज कर दिया. बट जब जैसे ही एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टराइजेशन की के चैप्टर में फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस में टर्म्स बढ़ने लगी, कैसे? मतलब जैसे मान लो हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस y प्लस 2x, इसको फैक्टराइज करो. सपोज वी आर हैविंग 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको फैक्टराइज करो. तीन टर्म्स. सपोज वी आर हैविंग 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5x प्लस 7, इसको फैक्टराइज करो. चार टर्म्स. ऐसे केस में जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज होनी शुरू हो गई, वहां पे वी आर हैविंग सर्टेन मेथड टू डू द फैक्टराइजेशन. सबसे पहले एक्सरसाइज 14.1 में देखो, विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ओनली, आई विल टेल यू साइड बाय साइड द मेथड्स. एक्सरसाइज 14.1 question number first question is 14.1 that find the common factors of these two. This is 12x, this is 36. We want to find a common factor. Listen,
कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, आपने जब भी कॉमन फैक्टर ढूंढना है एक चीज का ध्यान रखना है, एक एक फैक्टर को आपने स्टडी करना है। जैसे कि सबसे पहले आपने कॉन्स्टेंट देखा, इट इज 12, इट इज 36। सबसे पहले आपने 12 एंड 36 का कॉमन फैक्टर देखना है। कौन सा है, कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 12 एंड 36 दोनों है? 12 के टेबल में दोनों ही है। हमने बड़े से बड़ा देखना है, बड़े से बड़ा नंबर जिसमें दोनों बैठे हुए हैं। तो दिस इज 12, ठीक है, 12 दोनों का न्यूमेरिकल कॉमन फैक्टर हो गया। बट अगर हम आगे देखें, आगे एक एक्स भी है, एक्स इसमें है, एक्स इसमें नहीं है। अगर फैक्टर कॉमन फैक्टर बनना चाहता है तो उसका दोनों में होना जरूरी है। इसका मतलब ओनली 12 विल बी द आंसर। एक दो क्वेश्चन और करते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई एम डूइंग द थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, कॉमन फैक्टर ऑफ 14 PQ 28 P² Q² कॉमन फैक्टर ऑफ 14 PQ 28 P² Q² सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, वन बाय वन यू हैव टू कंसीडर द टर्म्स। आई एम राइटिंग कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर लिखा। सबसे पहले कॉन्स्टेंट देखो, दिस इज 14, दिस इज 28, बिगर मोस्ट टेबल इन विच बोथ लाई। वैसे तो 2 के टेबल में भी आ रहे हैं, 7 में भी आ रहे हैं ना, बट हमें बिगर मोस्ट टेबल देखना है। 14 14 हो गया। अब आया P एंड P स्क्वायर। जब पावर्स वाले जब न्यूमेरिकल आ जाएंगे ना, यानी कि जब वेरिएबल आ जाएंगे, उनमें से जब हमने कॉमन फैक्टर ढूंढना है, वी विल टेक द स्मॉलर पार्ट। यहाँ पे P की पावर 1 है, यहाँ पे P की पावर 2 है, तो कॉमन फैक्टर किसको लिखेंगे? P की पावर 1 वाले। नेक्स्ट इज Q, Q स्क्वायर, दैट विल बी Q। 14 PQ इज द आंसर। Let us do its eighth part. There are three terms. First is 3x² y³. Second term is 10x³ y². Can you tell me the third term? Student, यहाँ पे कृतिका बोलो, third term क्या है? 3x² y² z. कॉमन फैक्टर ध्यान से देखना जरा, कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है। 3, 10 and 6 तीनों किसी एक टेबल में इकट्ठे आते हैं? 10 और 6 आ सकते थे, पर 3 ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, नहीं आ सकते। इसका मतलब इन तीनों में से कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। अब आइए x² x³ x² क्या आएगा? y³ y² y² z इसमें अकेले में है, कॉमन फैक्टर बनने के लिए सब में होना जरूरी है, तो z में से कुछ भी नहीं आएगा। दिस विल बी आर, हाँ नहीं है, z है कॉमन फैक्टर। This is the way to find out the common factor out of rest of the parts will be homework. Note कर लो, जो भी बच्चा homework मैम को लिख के देता है, rest of the parts will be homework. Let us start with question number 2. Factorize the following. अब देखना, अब आपके पास एक एक term होने की बजाय एक ही expression में दो terms आ गई। आपको पता है जब एक expression में दो terms होती है उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? बाइनोमियल। प्रति नोट करो, मैम ने आपको अब पीरियड वाइज नोट करने के लिए बोली है ऑनलाइन। कौन नोट करता पीरियड वाइज? मैथ्स की करो नोट। रोल नंबर 2, 7, 8, 14, 15, 3, 37, 40, 22 मैथ्स की आई, ठीक है। चलिए
मुझे ना प्रगति अपनी क्लास के ऑफलाइन स्टूडेंट्स की लिस्ट दे देना, जिन बच्चों ने ऑफलाइन कंसेंट, कितने बच्चों ने दिया 41 में से? नहीं, कंसेंट फॉर्म यस वाला 41 में से कितने? जितने बच्चे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं प्लीज वो मुझे काउंट करके दे दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फैक्टराइज द फॉलोइंग। दिस फ्राइडे देयर इज योर टेस्ट फ्रॉम 2.1 टू 2.3, राइट? टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन, क्लास में टेस्ट होगा। एंड अगर कोई बच्चा ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है, उसी बच्चे का ऑनलाइन टेस्ट का पीडीएफ एक्सेप्ट होगा जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप घर बैठ के टेस्ट वाले दिन छुट्टी करके ऑनलाइन टेस्ट मुझे सेंड कर दोगे, आई विल नॉट चेक। ऑफलाइन स्टूडेंट्स का टेस्ट ऑफलाइन ही एक्सेप्ट होगा, एंड ऑनलाइन विल बी डूइंग द टेस्ट साइड बाय साइड इन द लेक्चर बाय स्विचिंग ऑन देयर वीडियो। चलो, हाँ हाँ, सेकेंड वीक है। यस, फर्स्ट पार्ट 7x माइनस 42। सबने, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, सबने कल NAS का टेस्ट दिया है? जितने बच्चे ऑनलाइन है, हैव यू गिवन NAS टेस्ट? ऑल ऑफ यू रेज योर हैंड। अमर जो चाह चेष्टा जपुजी जयंत अनिक तानिश विरान नवकरण, हैव यू गिवन योर NAS टेस्ट? हैंड रेज करो जिन्होंने दिया है, चेष्टा ने दिया है, अमरजोत ने दिया है, इवन जपजी हैज रेज हैंड। जयंत, जयंत व्हाट अबाउट यू? एनिक, टैनिश, जिन्होंने नहीं किया वो आज करके भेज दें प्लीज। चलिए, लेट अस डू फैक्टराइजेशन। लुक एट द बोर्ड। अब आपके पास दो टर्म्स हो गई। आपको पता है दो टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को हमने क्या बोला था? बाइनोमियल। अब ऐसे एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर कैसे ढूंढते हैं? लेट मी टेल यू। पीछे तो हमने कॉमन फैक्टर लिख दिया, अब इस मेथड को स्पेशली बोलते हैं टेकिंग आउट द कॉमन। टेकिंग आउट द कॉमन, जो कॉमन है उसको बाहर निकालो। दोनों टर्म्स हैं आपके पास, एक 7x है, एक 42 है। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर को देखो, हियर इट इज 7, here it is 42. बड़े से बड़ा नंबर जिसमें 7 एंड 42 दोनों बैठे हुए हैं, 7, तो taking out 7 as outside, bracket start, पहले घर में से 7 बाहर चला गया, कौन सा बंदा बचा? S. Sign कौन सा है? अब बात आती है कि यहाँ पे क्या 42 में से हमने 7 को निकाल दिया बाहर। अब कुछ बच्चे कहते हैं 42 माइनस 7 35, नो। जब हमने कॉमन फैक्टर बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, ये देखने के लिए ध्यान से नोटिस करना, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर लर्निंग इट फर्स्ट टाइम, प्लीज लर्न इट वेरी माइन्यूटली। दिस इज 42, 42 का 7 फैक्टर बाहर चला गया, तो आप 42 को 7 से डिवाइड करो, कौन सा फैक्टर अंदर बचेगा? 6, 7 6 का 42, तो अंदर बचा 6। दिस इज योर आंसर। दिस इज द वे टू टेक आउट द कॉमन फैक्टर। सेकेंड पार्ट यू विल डू योर सेल्फ, आई एम डूइंग द थर्ड पार्ट। 7a प्लस 12aq, सॉरी 7a स्क्वेयर प्लस 14a, 7a स्क्वेयर प्लस 14a। सबसे पहले तो कॉन्स्टेंट्स को टिक करो, दिस इज 7, दिस इज 14। बड़े से बड़ा टेबल जिसमें 7 14, 7 का टेबल, 7 बाहर आ गया। ए स्क्वायर और ए में से ए के कॉमन, अंदर कितने ए बचे? देखो 7 बाहर चला गया, ए स्क्वायर में से ए के बाहर चला गया, कितने ए बचे? 1 ए। प्लस का साइन पहले देख लो, बाद में नोट कर लेना। प्लस का साइन, ये 14 है, ये 7 है। अब 7 2 सा 14, 2 ए ऑलरेडी बाहर है, जो बाहर है उसको अंदर थोड़ा लिख सकते हैं। दोनों में से हमने कॉमन फैक्टर बाहर लिखा था, यही आंसर आएगा। दोनों में से हमने कॉमन ए बाहर लिख लिया कॉमन फैक्टर, तो पहले ब्रैकेट में बचा ए, प्लस का साइन एंड देन अकॉर्डिंग।
Yes, Tanish, what do you want to ask? Tanish, ask your query. Hurry up. Ma'am, seven के साथ मैम सेवन के साथ एक क्यों आया बच्चे हर एक में हमें हर एक टर्म का फैक्टर कॉमन निकालना है जैसे ये न्यूमेरिकल पहले था न्यूमेरिकल को देख लिया अगले को देखा इसमें ए है इसमें भी ए है अगर दोनों में सेम सेम फैक्टर बैठे हैं तो उसमें से कॉमन बाहर निकल जाएगा दिस इज एट की पावर टू दिस इज ए की पावर वन और मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हमें वेरिएबल में से बाहर निकालना है कॉमन हमेशा छोटी पावर कॉमन निकलेगी ए की पावर टू और ए की पावर वन में से ए की पावर वन बाहर आ गई इज इट ओके टैनिश ओके चलो लेट अस स्टार्ट विद फोर्थ पार्ट आई एम डूइंग फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट इज माइनस 16z प्लस 20z का क्यूब माइनस 16z प्लस 20z क्यूब ध्यान से देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल दिस इज 16 दिस इज 20 बड़े से बड़ा नंबर जिसमें दोनों और देख लो आप लोग 2 का टेबल बोल रहे हो इससे बड़ा भी एक टेबल है 4 का टेबल जिसमें दोनों आ रहे हैं 4 को z और z क्यूब में से कौन कॉमन जेड की पावर टू सॉरी जेड की पावर वन छोटा जो होगा वो कॉमन आ गया न्यूमेरिकल में से बड़ा फैक्टर बड़े से बड़ा टेबल जिसमें दोनों बैठे हैं और वेरिएबल में से स्मॉलर पावर विल बी टेकन एज कॉमन जेड कॉमन हाँ बिल्कुल आएगा माइनस का साइन ठीक है 16 4 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है 4 नंबर पहले समझा करो फिर लिख लेना समझ लो पहले z ऑलरेडी बाहर है कौन सा साइन प्लस का 4 के टेबल में 20 5 z की पावर 3 में से z की पावर 1 बाहर गई कितनी बची अब अच्छे से नोट करो समझ समझ के क्योंकि z क्यूब में से एक z तो बाहर कॉमन ले लिया तो z की पावर 2 बची आप देखो जब इसको आप अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे ना आपके पास सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा लेट अस डू फिफ्थ पार्ट बोलना जरा 20 20 एल स्क्वायर एम प्लस 30 ए एल एम 10 का टेबल बड़े से बड़ा टेबल है जिसमें 20 30 दोनों बैठे हैं 10 आगे आ गया एल इसमें L की पावर 2 है इसमें L की पावर 1 है कौन कॉमन आएगा इसमें M है इसमें भी M है सेम पावर के साथ तो वही कॉमन आता अगर पावर सेम हो इसमें भी M की पावर 2 होती उसमें भी 2 होती तो M की पावर 2 कॉमन थी इसमें M की पावर 1 है उसमें भी M की पावर 1 है तो M की पावर 1 ही कॉमन आ गया अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आप A को क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो क्योंकि A दोनों घरों में रहता ही नहीं है तो कॉमन कैसे आ सकता है ठीक है 10 2 जा 20 L M पहले ही बाहर चला गया प्लस 10 3 जा A L आउटसाइड M आउटसाइड दिस इज कॉल्ड टू टेक कॉमन फैक्टर आउट फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट कहां पे एक L कॉमन भी तो लिए ही है उसमें से एक L बचेगा फिर Sixth and seventh part will be your homework. Sixth, seventh, eighth homework. I'm teaching ninth and tenth. Sixth, seventh, eighth homework. I'm teaching ninth and tenth. Let us start with ninth part.
नाइन्थ पार्ट लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर नाइन एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर थ्री टर्म्स हैं। अब सबसे पहले एक्स की बात करो, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन क्या कॉमन आएगा, एक्स की पावर वन बार आ गया, लिखते नहीं होते वन ऊपर, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं उसका मतलब उसकी पावर वन है। वाई वाई स्क्वायर वाई स्मॉलर पावर क्या है, जेड 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 स्क्वायर कॉमन। सो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर गया, एक्स वाई जेड बाहर, प्लस का साइन, एक्स बाहर हो गया, पहले सीखा करो बाद में लिखना, एक्स बाहर चला गया, वाई स्क्वायर में से वाई बाहर गया, कौन बचा वाई, जेड ऑलरेडी बाहर है, प्लस का साइन, एक्स ऑलरेडी बाहर है, वाई ऑलरेडी बाहर है, जेड स्क्वायर में से एक जेड बाहर है, अंदर क्या बचा, अब समझ समझ के नोट करो। ये पता चला बेटे आपको सेकंड लास्ट बेंच, यही आप ही, आपका क्या नेम है, नेम क्या आपका पता चल गया सार्थक, यस यन मैम हमारे टेस्ट मैम पीडीएफ वाले होंगे कि लाइव क्लास में हमें करना है, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती हो कि ऑफलाइन, आपका आपने ऑफलाइन कंसेंट दिया कि ऑनलाइन ही आपने करनी है, आपने ऑफलाइन का कंसेंट दिया हुआ है जियन, हाँ जी जियन, जियन मैम मैं ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड कर रहा हूँ, मैंने कंसेंट नहीं दिया है। हाँ बस ठीक है, फिर आपको यहाँ पे टेस्ट मैं पीडीएफ शेयर करूंगी और आप अपनी वीडियो ऑन करके उसी टाइम करोगे जिस टाइम इनका ऑफलाइन होगा, इज इट ओके जयंत, एम आई क्लियर जयंत, इज इट क्लियर टू यू जयंत, टेल मी इज इट ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। और अगर आप लोगों ने सबने ऑफलाइन कंसेंट दिया, एक बच्चा उस दिन छुट्टी कर लेता है एब्सेंट मार्क हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि मैं ऑनलाइन बैठ के टेस्ट करके पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैम को तो आई विल नॉट डू टीचर। हाँ अच्छा, क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करता है और कंसेंट ऑफलाइन है, चलो फिर जो भी, मैं तभी नेम्स ले लूंगी ना बेल मैम से जिनका ऑफलाइन कंसेंट है,